गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हम लोग अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 6, पायल का साहस, जिसमें एक लड़की है जिसका नाम पायल है, जो अपने मित्रों के साथ, अपने भाई के साथ शाम को खेल रही थी। और उससे जस्ट एक दिन पहले तूफान आया था, जिसके कारण बहुत सारे पेड़ पौधे, बिजली के तार, खंभे टूट गए थे। तो खेलते खेलते पायल के भाई का पैर तार पर पड़ गया। उसे बचाने के लिए जब पायल गई तो उस अपने भाई को तो वो बचा लेती है, लेकिन उसका हाथ जो है, पायल का हाथ उस तार से सट गया और उसे करंट लग गया, जिसके कारण उसका हाथ बेकार हो गया। पर पायल हिम्मत नहीं हारी और अपने मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर वो अपने हाथों से अपने पैरों से लिखना शुरू कर दी। और कुछ ही दिनों में वो लिखने पढ़ने लगी अपने पैरों की मदद से, जिसे देखकर उसकी शिक्षिकाएं, उसकी सहेलियां बहुत खुश हुई और सभी उसकी प्रशंसा करने लगी। तो बच्चों, हमें इस पाठ से क्या सीख मिलती है कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखना चाहिए। ठीक है, आज हम लोग इस पाठ को अब आगे बढ़ाते हैं। हम लोग सबसे पहले वीडियो में इस पाठ को पढ़े, इसका शब्दार्थ और इस वर्तनी अभ्यास को किए। दूसरे वीडियो में हम लोग प्रश्न उत्तर किए। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे रिक्त स्थान, खाली स्थानों को भरो। आइए देखते हैं, खाली जगह भरो, प्रश्न उत्तर के बाद है खाली जगह भरो। ठीक है, नंबर क, इसे आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा। खेत में बच्चे डैश खेल रहे थे। खेत में बच्चे क्या खेल रहे थे? छुपन छुपाई। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे छुपन छुपाई। छुपन छुपाई, नंबर ख में है तार पायल के डैश पर गिर पड़ा। कहाँ गिर गया? हाथों पे। तो यहां लिखते हैं हाथों। नंबर ग, विद्यालय पहुंचकर पायल ने डैश का अभ्यास किया। विद्यालय में खेल कूद प्रतियोगिता हो रहा था, तो पायल क्या चीज का अभ्यास करने गई? दौड़ प्रतियोगिता का। यहां लिखेंगे दौड़। नंबर घ, शिक्षिकाएं पायल को मैदान में देखकर डैश रह गई। क्या रह गई? दंग रह गई। दंग का मतलब आश्चर्यचकित, दंग मतलब आश्चर्यचकित। ठीक है, तो ये खाली जगह भरो हम लोग कर लेंगे। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे भाषा से। ठीक है, आइए अब हम लोग भाषा से करते हैं। ठीक है, भाषा से के अंतर्गत सबसे पहला है एक से अनेक लिखो, यानी वचन बदलना है। वचन हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले भी। वचन से हमें किसी के एक या उससे अनेक होने का बोध होता है। ठीक है, जब एक वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में जो संख्या में एक रहते हैं उन्हें एक वचन, जो अधिक हो गए तो उन्हें बहुवचन। ठीक है, हम लोग पहले हेडिंग दे देंगे एक वचन और बहुवचन। इसके बाद हम लोग एक वचन के जितने भी शब्द हैं उन्हें लिख लिए हैं, और हमें क्या करना है? बहुवचन में लिखना है। बहुवचन मतलब अनेक। तो पहला वो शब्द है झूला। झूला का होगा झूले। झूला का झूले। खंभा, खंभे। बच्चा, बच्चे। आवाज, आवाजें। पेंसिल, पेंसिलें। किताब, किताब।
किताबें। ठीक है, ये हो गया एक वचन से बहुवचन बदलना। बच्चों आप लोगों को एक चीज ध्यान देना होगा इसमें, देखिए जब हम लोग झूला से झूले लिखते हैं यहाँ बिंदु नहीं है, लेकिन वही जब हम लोग आवाज से आवाजी लिखते हैं तो यहाँ बिंदु आ रहा है। तो इसे कैसे हम लोग तय करते हैं ये देखना पड़ेगा कि वो शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का है या नहीं। ज्यादातर जो भी शब्द स्त्रीलिंग के होंगे उनमें जब उनको जब हम लोग चेंज करते हैं, जब बदलते हैं एक वचन से बहुवचन में, तब उसमें आ जाता है बिंदु। ठीक है, अगर हम बिंदु नहीं लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब हम लोग शब्द को पहचानेंगे कैसे कि वो एक वचन का है या बहुवचन का, ये सॉरी वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो सबसे पहले हम लोग मन ही मन उस शब्द का प्रयोग करेंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे। जैसे आवाज, कोयल की आवाज, यहाँ की लगता है अर्थात यह स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पर आवाजें हो गई। ठीक है, उसी तरह पेंसिल। इस तरह आप अपने मन में छोटा छोटा वाक्य बनाइए, देखिएगा आपको पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है, ये शब्द जो है स्त्रीलिंग है। अभी तक तो हम लोग पढ़ते आए थे ना स्त्रीलिंग और पुल्लिंग केवल क्या लड़का लड़की इस तरह से, लेकिन धीरे धीरे आप इस तरह से धीरे धीरे जब पढ़ते जाइएगा समझ में आते रहेगा। व्याकरण में बहुत सारा है नियम है जो कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग एक वचन से बहुवचन बनाने में क्या क्या बदलाव आता है शब्दों में, वो समझ में आते रहेगा उस पर, लेकिन ध्यान दीजिएगा। अभी आप देखिए इस तरह से अपने कॉपी में लिखिएगा, इस तरह से दो तरफ नहीं लिखकर इस तरह लिखिए तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ हम लोग को बिंदु देना है और कहाँ नहीं। लास्ट वाले शब्दों में बिंदु लगेगा। ठीक है, ठीक है, अब भाषा ज्ञान का नंबर 2 पढ़ते हैं हम लोग। भाषा से के अंतर्गत दूसरे नंबर पर है पाठ से क्या ये चंद्र बिंदु और बिंदु के शब्द चुनकर लिखो। ठीक है, चंद्र बिंदु और बिंदु इसे हम लोग बोलते हैं, चंद्र बिंदु और बिंदु। इसका एक और नाम हम लोग जानते हैं अनुनासिक और अनुस्वार। ठीक है, अनुनासिक जिसे हम लोग नाक से बोलते हैं और अनुस्वार भी हम लोग नाक और मुंह के ये सहायता से बोलते हैं। अनुनासिक में थोड़ा सा दबा हुआ रहता है, ठीक है, इसका उच्चारण जो है थोड़ा सा हल्का सा दबा कर बोलते हैं। अभी देखिए जैसे चांद अनुनासिक है, जैसे चांद माँ, इसमें हम लोग हल्का सा उसे नाक से बोलते हैं, इसे अनुनासिक, नासिक मतलब नाक। अनुस्वार, अनुस्वार जिसे हम लोग मुंह से बोलते हैं लेकिन उसे थोड़ा दबा कर ही बोलते हैं अनुस्वार। बिंदु जिसमें हम लोग पंचम वर्ण का प्रयोग करते हैं, जिसमें न म ये सारा शब्द जो है वो आधा रहता है हलंत के तौर के ये पर रहता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे चंद्र बिंदु से हमें 3 शब्द लिखना है जो हमारे इस पाठ में आए हुए हों। पहला हम लोग लिखते हैं गांव, दूसरा हंसमुख, बिंदु और चंद्र बिंदु जहां भी लगाएंगे देखिएगा एकदम सही सही लगाना है इसे। हम लोग यहाँ पर गांव, यहाँ पर जो जहाँ हम लोग की आकार की मात्रा खत्म होती है ठीक उसके ऊपर लगाना है, जहां तहां नहीं लगा देंगे जिससे वो शब्द गलत हो जाएगा। गांव, हंसमुख और माँ। ठीक है, उसी तरह से बिंदु अनुस्वार वाले शब्द, अनुस्वार में है पहला हम लोग लिखते हैं खंभा, खंभा, यहाँ पे म जो है इसका उच्चारण करते हैं, देखते हैं अनुस्वार खंभा। प्रशंसा, प्रशंसा, यहाँ न का उच्चारण हो रहा है बिंदु के, इसलिए न का नहीं लिख कर हम लोग बिंदु लगा देते हैं। ठीक है, प्रशंसा। और दंग, यहाँ अंग का उच्चारण है दंग। ठीक है, तो अंग नहीं लिखकर हम लोग आधा अंग नहीं लिखकर यहाँ हम लोग बिंदु दे देते हैं। तो ये हो गया अनुनासिक से शब्द गांव, हसमुख और माँ, अनुस्वार से शब्द खंभा, प्रशंसा और दंग। इतना लिखने के बाद हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे और
इसके बाद जो भी हम लोग पढ़ेंगे अगली कक्षा में, ठीक है? आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, और इसके साथ आप लोग को असाइनमेंट भेजा जाएगा, आप लोग इसे अपनी कॉपी में लिखिएगा, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।